नमस्कार। कैसा बाजार चल रहा है? बाजार आज एकदम हल्का फुल्का चल रहा है, बाजार में आज कस्टमर भी नहीं है और छठ पूजा होने के बावजूद भी आज कस्टमर बाजार में है नहीं। सेब की बाजार चल रही, वही छोटा वाला अगर है तो 800 रुपया से लेके 1200-1300 रुपये तक का, अच्छा अगर सेफ है तो 1300-1400 का बिक रहा है। डिलक्सन संतरा वही चालू है 25 रुपये से लेके 50-55 रुपये तक का, मौसम भी वही 35 रुपये से लेके 55-60 रुपये तक का बिक रहा है। लेकिन बाजार में जो हिसाब से दम होना चाहिए तो वो हिसाब से दम बाजार में है ही नहीं। आम का वही जो रेट है 120 रुपये से लेके 260-280 रुपये तक का है। तोतापुरी है, नीलम है, बाद में तुम्हारा हापूस है, सब चीज़ है, लेकिन बाजार में इतना खास दम नहीं है। हाँ साउथ वाला है, हापूस साउथ लोकल वाला मैं सुनने में आया था, एक या दो पेटी शायद आई थी हमारे कोई व्यापारियों के पास, लेकिन वो महंगी बिकी है, कुछ 12,000 या 13,000 ऐसा कुछ आवाज़ मैं सुना था, परफेक्ट मालूम नहीं है। और क्या बताएंगे, जो है वो हकीकत सब बताया। छठ पूजा समझो कल या परसों मेरे ख्याल से है, छठ पूजा के हिसाब से बाज़ार चलता है, अच्छा खासा फ्रूट का बाज़ार चलता है, लेकिन ये साल में कुछ दम नहीं दिख रहा है। त्यौहार ऐसा ही नाम का त्यौहार हो गया, अभी सब त्यौहार तो ऐसे ही हो गए नाम के लिए, कोई आस नहीं कि यही त्यौहार के ऊपर बाज़ार चलेगा या ये त्यौहार के ऊपर बाज़ार नहीं चलेगा, ऐसा बोल ही नहीं सकता है। बाज़ार अभी चलना है, ऊपर वाले के हाथ में ही सब कुछ, कभी चलना है और कभी रुकना है, ऐसा है। एकदम बढ़िया, धन्यवाद। आर डिलीशन की थी 22 गाड़ी थी, लेकिन उसमें पर्सनल लोगों की एक एक थी, बाकी सब मिक्स में थी। पहले जैसा ज़माना नहीं रहा है, ये लोगों को एक एक व्यापारी को दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच गाड़ियाँ थी, अपनी पर्सनल आती थी, अभी वो ज़माना नहीं है। अभी एक व्यापारी का नहीं, 10 व्यापारी का एक गाड़ी में माल आता है, माल भी महंगा है ये साल में, इसके लिए लोग मतलब इतना माल आ भी नहीं रहा है। और ईरान के बारे में क्या बताएं? ईरान के बारे में वही है, 1000 रुपया 900 रुपया 1100 रुपया। ईरान भी सेब अभी अच्छा आ रहा है, दिल्ली सेब के थोड़ा कश्मीरी सेब से थोड़ा सा मतलब ग्राहक थोड़ा हट गया है। ग्राहक को पूछा जाता है कि बाबा दिल्ली सेब लो, तो ग्राहक बोलता नहीं हमको ईरान का अच्छा लगता है, तो बहुत सारा ग्राहक तो ईरान की तरफ झुक गया है, दिल्ली सेब की तरफ बहुत कम। दिल्ली सेब का मतलब जो मजबूती है, अभी मजबूत भी थोड़ा अभी कम, थोड़ा नरम ज़्यादा आने लगा है, ख़राब भी ज़्यादा निकलता है। एक कस्टमर उस दिन बोल रहा था कि अंदर काटने से काला दिख रहा है, तो ये ईरान का जो शेप है अभी मजबूत है, जो साइज़ का चाहिए वो साइज़ का मिलेगा, लेकिन भाई मजबूत खाने में मीठा, तो बहुत सारी ग्राहक की उधर ही पलटी हो गई है। डिलीशियस से ग्राहक थोड़ा, कश्मीरी शेप से ग्राहक थोड़ा हट गया। किन्नौर का तो इतना कोई पता है नहीं, लेकिन किन्नौर भी 3200 रुपये से लेके 4-4500 4500 रुपये तक का बाजार है। हाइट का माल है वो, सबका काम नहीं वो खरीदी करना, जो जहाँ पे जिस ग्राहक के पास ये चलता है वही ग्राहक लेके जा सकता है, बाकी सबका काम नहीं। 250 रुपये किलो, 220 रुपये किलो, 280-300 रुपये तक का किलो चिल्लर में बिकता है बाहर लोकल में, तो सबका काम नहीं है उसको लेके जाना और सबका काम नहीं उसको खरीद करना। जो आम आदमी गरीब शरीफ जो लोग है वो खाएंगे तो ये अपना ईरान का खाएंगे या कश्मीर का खाएंगे, कश्मीर का भी सेब या ईरान का सेब भी 100 रुपया 110 रुपया खरीदी पड़ रहा है जगह पे, तो लोग बाहर 150 रुपया तक का आराम से खा सकते हैं। अब तुमने जो ईरान इसका नाम निकाला किन्नौर का, 250-300 रुपया किलो कौन आदमी खाएगा? महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई के हिसाब से आदमी 250 रुपया किलो वाला सेब नहीं खा सकता है। जिसके पास पैसा है वो खाएगा भाई, जो आम आदमी जो रोज़ का कमाने खाने वाला वो कहाँ सेब और ये सब फ्रूट खाते रहेगा? आम आदमी खाएगा तो बाजार में तेजी है, भले तुम कुछ भी आने दो, उतना अगर 50 भी गाड़ी आएगा बिक जाएगा। आम आदमी खाएगा कब? जब बाजार में सस्ता ही चलेगा तब। आम आदमी नहीं खाएगा, बाजार ही ऐसा ही रहेगा, कितना आ रहा है, कौन खा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ पता नहीं। आम आदमी के ऊपर सब डिपेंड्स है। अभी आम आदमी कब खाता है? जब सस्ता होता है तब। अपना आम जो आता है, आम यूपी का आम जब आएगा, दशहरी लंगड़ा वगैरह ये आएगा, बाजार एकदम पूरा लेवल में जाता है, आम आदमी खाता है। सबका काम नहीं है आम खाना, सबका काम नहीं आम खाना, आम खाने के लिए उसके लिए यूपी का भी आम आना होना, यूपी का आम सस्ता रहता है। हमारा रत्नागिरी महाराष्ट्र का आम जो आता है वो भी महंगा ही रहता है, 800 रुपया 900 रुपया 1200 रुपया 1500 रुपया, मई जून के अंदर, अप्रैल मई के अंदर, जून के नहीं, अप्रैल मई के अंदर।
वो भी महंगा ही रहता है, लेकिन खाते है पब्लिक। वो आम 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 का राजा बोलते हापुस है, तो वाकई में वो राजा है। वो राजा को खाए बगैर कोई आगे चलेगा ही नहीं, भले कितना भी महंगा रहने दो लेकिन आम पब्लिक खाती है। ये है आम का राजा का कहानी। नहीं नहीं, वो लोग जो बेचते वो गलत है। एक्चुअली देवगढ़ देवगढ़ है, रत्नागिरी रत्नागिरी है। महाराष्ट्र का हापुस जो होता है वो हापुस होता है, उसके नाम से जो कर्नाटक का हापुस बेचते हैं वो गलत है। मेरे हिसाब से तो गलत है, लोगों को ऐसा नहीं फंसाना चाहिए। लोगों को फंसा के कुछ नहीं, तुमको देखो पूछने वाला कोई नहीं होएगा तो ऊपर वाला जरूर पूछता है। गलत काम मत करना, खाने पीने वाली चीज़ में तो गलत जरा भी नहीं होना चाहिए। रहता है भले टेस्ट वही, लेकिन रत्नागिरी और देवगढ़ के हापुस के नाम से तुम बाकी कोई आम अगर चलाएगा तो जवाब ऊपर वाले को देना है। वो कोई किसी ने नहीं करना चाहिए, ग्राहक को बोल के दो। हमारे एसोसिएशन जो है, हमारे एसोसिएशन खुद बोलती है कि ग्राहक को फंसाना नहीं, अगर कोई फंसाएगा उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा हमारी एसोसिएशन है। हमारे एसोसिएशन खुद बोलती है कि फंसाने का नहीं, कस्टमर को नहीं फंसाने का। तुमको कमाना है तुम जरूर कमाओ, लेकिन ग्राहक को बोल के कि भाई ये कर्नाटक का है, ये फलाने जगह का है, ये रत्नागिरी का है, ये देवगढ़ का है। लोगों को फंसाओ नहीं, भाव ज़्यादा लो सामने वाले के समझ में आएगा लेगा या तो नहीं लेगा, लेकिन फंसाना गुना है। ऐसा मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि लोकल माल का हमेशा डिमांड अच्छा रहता है, लोकल जो माल होते हैं उसका माल का बाजार हमेशा ऊपर रहता है। ऊपर रहता है मतलब ये कैसा है, लोकल का यहाँ का जो महाराष्ट्र का जो कोई भी चीज़ रहता है उसमें केमिकल फवारा नहीं जाता है। कोई भी चीज़ केमिकल की नहीं जाती है, उसको सेंद्रिय खत जो बोलते हैं ना, वहाँ जो किया जाता है उसके ऊपर मारा जाता है। यहाँ के किसान लोग ज़्यादा मेहनत भी लेते हैं, यहाँ के किसान जो है हमारे महाराष्ट्र के जो कि किसान तो सभी बेचारे मेहनत लेते हैं। किसान को नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन कोई कोई जो रहते हैं ना वो थोड़ा केमिकल थोड़ा इस्तेमाल करते। हमारे महाराष्ट्र के लोग केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि केमिकल इस्तेमाल करने की वजह से आज नहीं 10 साल बाद उसका रीज़न मालूम पड़ता है कि लोगों के शरीर के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट होता है। नहीं नहीं करना चाहिए कोई किसी को भी, खाने पीने वाली चीज़ में नहीं करना चाहिए। ओके धन्यवाद, और कुछ पूछना है? जय हिंद जय महाराष्ट्र।